तक कोई जवाब आया उधर? देखिए, हैरानी की बात है कि दिल्ली के अंदर मात्र 24 घंटे के अंदर तीन जगह एक्सटॉर्शन की कॉल्स की गई, करोड़ों रुपया बिजनेसमैन से मांगा गया और ना देने पे उनकी दुकानों में, शोरूम में, होटलों में घुस के 20-20 24-24 राउंड फायरिंग की गई, पर्चियां फेंकी गई गैंगस्टरों के नाम की। उस वक्त एलजी साहब विदेश दौरे पे थे, मगर उसके बाद वो विदेश से वापस आ गए हैं। हमें उम्मीद थी कि रोज वो लगातार, अगर आप देखें जब विदेश में थे तब भी लोगों, उनका ऑफिस उनके नाम से प्रेस रिलीज जारी कर रहा था, चिट्ठियां जारी कर रहा था, मगर एलजी साहब के आने के बाद भी जो विषय उनका अपना विषय है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सीधा सीधा उनके कंट्रोल में, उसके ऊपर एलजी साहब इस तरीके से चुप हैं, ये हैरान करने वाली बात है। हमारा मानना था कि जहां गोलियां चली वहां एलजी साहब जाते मौके पे, जो लोग दहशत में हैं उनसे बात करते, पुलिस थानों का औचक निरीक्षण करते, कम से कम चुने हुए विधायकों के साथ चर्चा करते कि वो आगे क्या करना चाह रहे हैं, पुलिस को किस तरीके से वो दुरुस्त कर सकते हैं, मगर वे ना तो विधायकों से मिलना चाहते हैं, ना पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करना चाहते हैं। ये थोड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सोनम वांगचुक जब से थ्री इडियट्स फिल्म बनी और उनकी असली जिंदगी के बारे में हिंदुस्तान और दुनिया भर के लोगों ने जाना, लोग उन्हें देवता मानते हैं, मैं भगवान नहीं कहूँगा मगर लोग उन्हें देवता मानते हैं, लोग मानते हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, देश के लिए नौछावर कर दिया। 80 साल का एक बुजुर्ग अपने लद्दाख जैसे क्षेत्र की, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, सेंसिटिव क्षेत्र है, वहाँ के लिए कुछ मांगे मांगने अगर अपने देश की राजधानी में आ रहा है और महात्मा गांधी की समाधि पे आ रहा है, जिन्होंने पूरा जीवन अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा और विरोध में काट दी, ऐसे में केंद्र सरकार का दिल्ली में कर्फ्यू लगा देना, ये कह देना कि अब आने वाले 6 दिनों के अंदर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, क्या बकवास है? दिल्ली में 3 तारीख से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, रामलीला शुरू हो जाएंगी और आप कह रहे हैं कि 5 आदमी से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, रामलीला में लाखों लोग इकट्ठे होंगे। अगर है एलजी के अंदर हिम्मत तो रोक के दिखाए, हम उनका दिमाग जो है दुरुस्त कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है।